इधर 30 अगस्त को रांची के धुरवा स्थित शाखा मैदान में बीजेपी के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। वहीं कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सभा स्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रुचि ने। सोरेन कल इसी मैदान में बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, यानी कल से जो सिंबल होगा वो कमल फूल का होगा, जो पिछले चार दशक से तीर धनुष की कमान लेकर के चला करते थे, यानी कि तीर धनुष का सिंबल हुआ करता था, वो अब छूटेगा। और देखिए, कल ही उन्होंने सभी पदों से भी इस्तीफा दिया है, सांगठनिक पदों के साथ साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया है। और ये जो तैयारी है उनके कल सदस्यता ग्रहण के लिए हो रही है। और बता दें कि इसमें मुख्य रूप से जो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही झारखंड विधानसभा भाजपा के तरफ से चुनाव प्रभारी हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, संगठन प्रभारी की बात करें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपस्थिति रहने वाली है, वहीं चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा उपस्थित रहेंगे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ नागेंद्र त्रिपाठी जो संगठन क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं उनकी उपस्थिति रहेगी, कर्मवीर सिंह जो संगठन मंत्री हैं उनकी उपस्थिति रहने वाली है। तो कोल्हान प्रमंडल में ही नहीं, खास करके कहें तो झारखंड की जनता के बीच एक मैसेज, चूंकि चंपाई सोरेन अब बीजेपी के हो जाएंगे तो ऐसे में अब ये जनता के बीच जाएंगे और वो तमाम मुद्दे जो भाजपा उठाती रही है अब चंपाई सोरेन उठाएंगे, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या भाजपा के तरफ से उठाए जा रहे कई ऐसे मुद्दे हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो या स्थानीय नीति का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे को लेकर के ये जनता के बीच जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी सदस्यता ग्रहण की तैयारी चल रही है और भाजपा ही देखिए काफी खुश दिख रहे हैं, भाजपा नेता खुश दिख रहे हैं। एक नाम भूल रहे हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की भी उपस्थिति इस मंच पर रहने वाली है। तो कई जो विधायक है, कई सांसद है, उनकी उपस्थिति इस मंच पर रहेगी। फिलहाल तैयारी चल रही है और कल अपराह्न 2 बजे के बाद भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह होगा जिसमें तमाम लोगों की उपस्थिति रहने वाली है। और झारखंड विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ भाजपा उतरने की तैयारी कर रही है। फिलहाल कोल्हान में सेंधमारी करने में बीजेपी सफल रही है। अब देखना होगा, चूंकि एक और नेता का नाम सामने आ रहा है कि लोबिन भी, यानी कि संथाल के नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता में से जाने जाते थे, तो क्या वो भी साथ आते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।